अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करने वाले हैं ब्रांडेड बांग्लादेश के बारे में। और इससे पहले मैंने आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें बताया था कि CNN पे बांग्लादेश ने जो अपनी ब्रांड्स हैं, जो स्पेशली बांग्लादेश की क्लोदिंग है, उसको जी एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया है। और अब जो है CNN लोगों को बताएगा कि बांग्लादेश की जो ठीक है टेक्सटाइल है, बांग्लादेश के जो कपड़े हैं कितने क्वालिटी वाइज अच्छे हैं और कितनी प्राइस भी उनकी मुनासिब है। तो अब एक बांग्लादेश ने नया ठीक है एक नई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है। वो ये है कि बांग्लादेश को पूरी दुनिया में बताया जाएगा कि बांग्लादेश एक ब्रांड है और सारी दुनिया में इस कंपेन को लॉन्च किया जाएगा। लाइक जैसे CNN पे बताया गया ठीक है इससे पहले, और इसी तरह काफ़ी दूसरी ठीक है मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ पे जाके बांग्लादेश ब्रांडेड बांग्लादेश को प्रमोट किया जाएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, और USA में क्योंकि बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा ठीक है एक्सपोर्ट्स होती हैं। लेकिन अब जो है बांग्लादेश का मेन एम ये है कि USA के अलावा भी अदर कंट्रीज़ में बांग्लादेश को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि उनको भी पता चले कि बांग्लादेश कितनी अहम प्रोडक्ट्स हैं, कितनी ड्यूरेबल, कितनी क्वालिटी वाइज अच्छी हैं जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है। सो इस तरह दुनिया को पता चलेगा कि बांग्लादेश की जो चीज़ें हैं वो उनकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। वेल, अभी ये रिपोर्ट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इंडियन मीडिया की जानिब से इस पर बात की जा रही है, देखते हैं बांग्लादेश की क्या स्ट्रेटजी है, वो इस पर कैसे काम करेंगे। अभी आप लोगों को ये रिपोर्ट देख के पता चलेगा। आप लोगों ने रिपोर्ट पूरी देखने है, रिपोर्ट देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है यही साउथ एशिया में एक स्पेशल एपिसोड बांग्लादेश का, ब्रांडिंग बांग्लादेश अब्रॉड, गवर्नमेंट मूव टू शेप स्ट्रेटजीज। एक मूव है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि कैसे भी करके बांग्लादेश को वर्ल्ड के अंदर एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाए। ब्रांड तो बनता जा रहा है धीरे धीरे, CNN वाले उनको आगे इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक मेड इन बांग्लादेश के नाम से एक ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है नेशन की उसको लोगों के सामने पेश किया जाए। यहाँ पर एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी दिए जा रहे हैं टू अपॉइंट ए कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और एक फर्म जो कि आपका कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसमें एक कमेटी होगी जो ब्रांडिंग बांग्लादेश अब्रॉड प्रिपेयर करेगी, प्लान करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, मॉनिटर करेगी जो चैलेंजेस हो सकते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के 2026 के बाद में ग्रेजुएशन के बाद, उसको भी वो देखेगी। और यहाँ पर बांग्लादेश की जो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सारा काम करेंगे। अब ये रियलिटी कि बांग्लादेश ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है पिछले 10 सालों में बहुत की है, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये उन्होंने कामयाबी पाई कैसे, कैसे कामयाबी मिली है। तो एक प्रोसेस है, उसकी स्टोरी है, वो स्टोरी नैरेट करनी है, लोगों को बतानी है। अब स्टोरी कौन बताएगा, कोई ना कोई एक फर्म जो लोगों के पास जाके स्टोरी बताएगी, तो इससे स्टोरी टेलिंग। बहुत सारे बांग्लादेश के जो नॉन रेसिडेंट बांग्लादेशी NRB जो हैं उन्हें कंट्री की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो नहीं पता है, जबकि वो खुद सक्सेस स्टोरीज हैं लेकिन उन्हें अपनी स्टोरी नहीं पता। तो लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वहाँ से कैसे आगे बढ़ के स्टोरी को कंसोलिडेट करके लोगों तक पहुँचाया जाए। अब बांग्लादेश ट्रेड एंड बिजनेस फ्रेंडली कंट्री, गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेक गुड अर्निंग अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट। लेकिन बताना पड़ेगा, मार्केट तो करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बिना मार्केटिंग के बिकता नहीं। मेंशनिंग दैट बांग्लादेश हैड बीन मेंटेनिंग एन ऑप्टिमिस्टिक GDP ग्रोथ, बट देन यू हैव टू नैरेट द स्टोरी, यू हैव टू टेल कि आपका पोटेंशियल है, चाहे वो टूरिज्म का हो या किसी और इंडस्ट्री का हो। तो बांग्लादेश की जो अचीवमेंट है, सक्सेस है, शोकेस भी तो करना है।
जब ऐसे शोरूम में जाते कुछ चीज़ें खरीदते, सामने शोरूम में कुछ लगा रहता है ना, तो शो केस में भी तो कुछ होना चाहिए ना। अक्रॉस द नेशंस, अक्रॉस द ग्लोब, तो कंट्री की इमेज आपको बिल्डअप करनी पड़ती है। तो जो भी चीज़ें करनी हैं वो एक प्रोफेशनल मैनर में करनी है। तो 2026 के अंदर LDC का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारी ड्यूटी फ्री एक्सेस भी ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत सारी एक सब कमेटीज़ बनाई गई हैं जिसमें कुछ प्रपोजल्स दिए गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कंट्री को वहाँ वापस लेके जाया जाए जहाँ पर नरेट किया जाए उसकी सक्सेस स्टोरी को, बताया क्या जाएगा इकोनॉमिक वायबिलिटी, स्ट्रेंथ, सक्सेस, उनकी जो फाइनेंशियल एबिलिटीज़ हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी जो परफॉर्मेंस है, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है। और PMO का ऑफिस जो कि शेख हसीना का ऑफिस है वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई ये करना कैसे अल्टीमेटली। तो मीटिंग्स भी होंगी, सब कुछ होगी, ज़मीन पर भी करना पड़ेगा, लेकिन पूरा प्लान के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके लिए ये सब एक मेड इन बांग्लादेश का ब्रांडिंग एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया है। हमें उम्मीद है कि ये ब्रांडिंग एक्सरसाइज जल्दी ही ज़मीन पर आएगी, लोगों के सामने सक्सेस स्टोरीज लेके आएगी और लोगों को बताएगी भाई ये भी एक मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, वियतनाम जैसी या बाकी देशों जैसी, और ये लैंड ऑफ पॉसिबिलिटी है, लैंड ऑफ राइजिंग सन है, लैंड ऑफ टाइगर है, यहाँ आइए इन्वेस्ट कीजिए। अल्टीमेटली स्टोरी टेलिंग तो होना चाहिए ना। तो ये था एक बड़ा अच्छा आर्टिकल बांग्लादेश के न्यूज़पेपर से, शुक्रिया। ब्रांडिंग बांग्लादेश की जो एक्सरसाइज है वो लॉन्च हो चुकी है एक तरह की, और उस पर डिस्कशन भी जारी है कि बांग्लादेश की जो स्टोरी है, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि उसे कंसोलिडेट करके दुनिया को बताया जाएगा कि किस तरह बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्री से अब जो है एवरेज में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें स्पेशली बताया जाएगा कि जिस तरह वियतनाम जो है ब्रांड्स, काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जो कि वहाँ पर बनती हैं, और क्योंकि उनका टेक्सटाइल में बहुत बड़ा नाम है, सो उनकी एग्जांपल देते हुए बांग्लादेश के बारे में बताया जाएगा कि जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, जैसा कि बांग्लादेश को कहा जाता था ये बास्केट केस है, लेकिन बांग्लादेश ने पॉसिबल किया वो सब कुछ जो कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और जहाँ बांग्लादेश आज स्टैंड कर रहा है उसको देख के जो इंडिया है वो भी जेलसी का शिकार हो गया, और उनको भी काफ़ी हैरत में डाल दिया बांग्लादेश ने कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिस पे बांग्लादेश अमल कर रहा है और आज इतना कामयाब हो गया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और अगर आप किसी भी ठीक है चले जाएं दुनिया के किसी भी ठीक है स्टोर में चले जाएं, वहाँ पे आपको मेड इन बांग्लादेश लाजमी मिलेगा। इतना पॉपुलर हो गया, और इसी चीज़ को बताना है बांग्लादेश ने दुनिया को कि बांग्लादेश में आएँ, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यहाँ बिज़नेस बहुत अच्छा है, टेक्सटाइल बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक जोन्स हैं, काफ़ी डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छा है, बिल्ट हो चुका है, न्यू स्ट्रक्चर है। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी कोई बिज़नेस मैन इन्वेस्टमेंट करने आता है तो वो ये सब चीज़ें देखता है कि वहाँ पर क्या सहूलियात हैं। सो बांग्लादेश में ये सब चीज़ें जो है सेट जा रही हैं, विद इन फ्यू ईयर्स में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक 2025 तक जो है बांग्लादेश को अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि बांग्लादेश को जो सब्सिडीज़ एक तरह की दी जाती थी, मतलब जो छूट दी जाती, जो छूट मिल रही थी ड्यूटीज़ वगैरह की, वो छूट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बांग्लादेश को एक डेवलप कंट्री की तरह काम करना पड़ेगा। वेल, ये एक अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है, लाइक आगे बांग्लादेश के जो प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, लाजमी शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है, आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को दिल खोल के शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।